महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह तथा आरटीओ अनीता सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का पाठ एनसीसी एवं भारत स्काउट गाइड के बच्चों को पढ़ाया गया, जिसमें महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जुबली इंटर कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सड़कों पर आम नागरिकों को सुगम यातायात अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है तथा एम्बुलेंस को रास्ता देना, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना, सिग्नल लाइट के अनुसार चलना, रेड लाइट होने पर स्टॉप लाइन से पीछे रुकना और जेब्रा क्रॉसिंग के संबंध में एनसीसी एवं स्काउट गाइड के बच्चों को विस्तार रूप से समझाया गया और अपने जनपद को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहायता करें। वहीं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना में जो नियंत्रण प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी ला सकेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीसी एवं स्काउट गाइड के बच्चे जब सड़क पर उतरकर ट्रैफिक नियम का संदेश देंगे तो इससे जनता को एक अलग प्रभाव पड़ेगा। इस पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य यातायात निरीक्षण तथा शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, स्टॉप लाइन के ऊपर हमारी गाड़ी है, इसके लिए नहीं है। स्टॉप लाइन के पीछे आपको रहना है। स्टॉप लाइन आपके लिए इसलिए होती है कि समटाइम्स आप ब्रेक लगाओ, इंडिकेशन के लिए स्टॉप लाइन पे खड़ा नहीं होना है। बाकी सिग्नल के रूल सभी को पता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लेफ्ट लेन ओपन का नियम है। अगर आपको बाएँ नहीं जाना है, आपको सीधे जाना है, दाहिने जाना है, तो बाईं ओर का रास्ता आप पुल चौक कर रहे हैं। आप कम से कम आधे लोगों के लिए या वन थर्ड लोगों के लिए या मिनिमम वन फोर्थ लोगों को रास्ता आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो लेफ्ट लेन सभी के लिए जो है खाली रखनी है। आप जहाँ भाई जाते हैं, जो आदमी आपके पीछे से आ रहा है उसको तो बाएँ जाने दो। अगर रेड सिग्नल तो उसको बाएँ जाने दो। एम्बुलेंस भी उसी रास्ते से निकल के आगे चली जाएगी। अगर हम लोग रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो लेफ्ट वाला कैसे जाएगा? और लाइट लगने से लोग चिल्लाते हैं जाम 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 लग गया। जाम कभी लाइट से जाम नहीं लगता। जाम को इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि अभी शहर में नई नई ये सिग्नल की व्यवस्था शुरू हुई है और चौराहों को पहले रुकने की आदत नहीं थी। अब चूँकि आपको सिग्नल देख के आपको 2 मिनट या 1.5 मिनट या 3 मिनट के लिए चला के रुकना पड़ रहा है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि जाम है, वो जाम नहीं है। कम्युनिकेशन लेवल आपका क्लियर हो, आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और जब बच्चे सीखेंगे तभी सबको सिखाएंगे, अपने आसपास में, समाज में, घर में, अपने साथियों के लिए, जिन लोगों के पास एनसीसी और स्काउट्स नहीं है। मेजर और उस्ताद आते हैं सिखाने के लिए। आपकी जब संडे को परेड होती है तो उनसे ट्रैफिक पे एक रखवाइएगा उनसे लेक्चर, और आप ही लोग बताइएगा। आज आप लोग जो रोड ऑफ होता है सभी के लिए, क्या रोड रूल्स हैं, वो 24 घंटे आप लोगों के कानों में आजकल काम थोड़ी सब्जी। मैं आपको सभी चौराहों पर सुनवा रहा हूँ, सब लोग उससे रूबरू हो रहे होंगे, पक गए होंगे उसका। सुन तो सबसे एक बात कि कौन से बार में सबसे कितना जुर्माना है, थोड़ी लगती लगातार हमारे भी कम हो जाता है। तो रूल्स तो हमारे चीजें भी नहीं चलते हैं। जितनी दुर्घटनाएँ होती हैं सभी दुर्घटनाएँ इसलिए होती हैं। पहुँचाएंगे तो पुलिस हमको पूछेगी, पूरा डिटेल जानेगी। ये अभी भी भ्रांतियाँ हैं उस पर दूर करेंगे। देखिए, स्थापना की थी और हिंदुस्तानियों पर दमन करने के लिए उस बल की स्थापना हुई थी, तभी ये 35 दी गई थी। वैसा ही लोग समझते हैं, कोई एक परंपरा के रूप में चला। तो वो कुरीति जो है समाज में हर जगह जाएगी। जहाँ जहाँ आप जाएंगे उस बुराई को साथ लेके जाएंगे।
सोसाइटी गेट्स पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ पे? हम वो पुलिस पाते हैं जैसा समाज होता है, तो किसी एक को हमको लिस्टिंग का टारगेट नहीं करना चाहिए कि पुलिस खराब है। इसके साथ एक ही वजह है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2019 में नहीं तो 50,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। आप बच्चे हैं, आप किसी फैमिली के वारिस हैं, उस फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको हमने इसलिए यहाँ बिठा के ये चीज बता रहे हैं कि आप जाएंगे और अपने पेरेंट्स से इस बात को डिस्कस करेंगे कि आज हमारे स्कूल में कौन आया था और उन्होंने क्या बताया। जब एक सड़क दुर्घटना होती है तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। आप लोग अपने परिवार के साथ डिस्कस करिए और उनके साथ आगे बढ़िए। और आप, मुझे लगता है यहाँ पे सब 9-10 के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने टू व्हीलर्स पे आते होंगे। कौन कौन आता है टू व्हीलर्स? महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आज कई सारे विद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स और स्काउट्स एंड गाइड्स के कैडेट आए हुए थे। इनके लिए रोड सेफ्टी कार्यक्रम और ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम शहर के विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस रोड सेफ्टी कार्यक्रम के लिए जन जागरण कार्यक्रम के रूप में हम लोग एक मास मूवमेंट के रूप में इसको गोरखपुर में लागू करना चाहते हैं, ताकि घर घर में हर आदमी प्रशिक्षित हो जाए, ट्रैफिक के बारे में अवेयर हो जाए कि हमको कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से हम गोरखपुर की जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बच्चे घर पर जाके अपने पड़ोस में पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को ये संदेश दें कि सब लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ताकि हमारा शहर गोरखपुर एक स्वच्छ गोरखपुर और सुरक्षित गोरखपुर बन सके और ट्रैफिक रूल्स के फॉलो अप में हम लोग जो है एक कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए, सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाने की एक मंशा जाहिर की थी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का अगर पालन करेंगे तो हम सड़क दुर्घटनाओं में, जो निरंतर प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बहुत कमी ला सकेंगे। उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन के रूप में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। उसमें हम यहाँ पे महात्मा इंटर कॉलेज और जुबली इंटर कॉलेज के एनसीसी के कैडेट्स एंड स्काउट्स को का सहयोग लेने आए हैं कि वो एक जन आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन करें, ताकि वो, जब वो एक ऐसा ग्रुप है कि जो हमेशा समाज सेवा और इन सब में जुड़ा रहता है, और उनके द्वारा जब ये सड़क पे उतर के ये सड़क सुरक्षा के नियमों का जो है बाहर सड़क पे ये जब ये देंगे संदेश, तो उससे एक अलग ही प्रभाव जनता पे पड़ेगा। और हम जनता से भी ये अपील करवाना चाहेंगे कि अब आप थोड़ा सा हमें अपने सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, ताकि हम जो है निरंतर जो बढ़ती हुई दुर्घटनाओं हैं उसमें कमी ला सकें। धन्यवाद।